Yesterday I have explained half chapter for you. Now I will explain further. Okay. Motus saw this from inside. Means he started taking him away to his house. मतलब fox ने जब उस छोटू को दूर ले जाने लगा और जब छोटू रोने लगा तो मोटू जो था वो उसे अंदर से देख रहा था. ही थॉट ओवर हाउ टू सेव हिम. वो सोच रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए. ही सॉ अ क्रो फ्लाइंग. उसने देखा कि एक कौआ उड़ रहा है. ही आस्क्ड हिम टू हेल्प छोटू. उसने उसे छोटू को बचाने के लिए हेल्प करने के लिए कहा. द क्रो कॉल्ड आउट ऑल हिज क्रो फ्रेंड्स. क्रो ने सभी अपने फ्रेंड्स को बुला लिया. दे ऑल स्टार्टेड क्रोइंग वेरी लाउडली इन टू द ईयर्स ऑफ द फॉक्स. वो सभी कौए मिल के फॉक्स के कान में काँव 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 बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे. द फॉक्स वॉज स्केर्ड एंड फेल डाउन. और फॉक्स डर गया और वो गिर गया. छोटू रेन टू हिज हाउस. तो छोटू अपने घर की ओर भागा. मम्मी गोट एंड मोटू वर वेटिंग फॉर हिम. मम्मी गोट और मोटू उसका वेट कर रहे थे. दे हग्ड हिम एंड किस्ड हिम. उन दोनों ने उसे हग किया और किस किया. दे थैंक द क्रोज फॉर सेविंग छोटू. उन्होंने क्रोज का मीन्स कौओं का धन्यवाद दिया छोटू को बचाने के लिए. नाउ द क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी किड्स डिड द गोट हैव. द गोट हैड टू किड्स. गोट के दो बच्चे थे. हु वॉज कनिंग. द फॉक्स वॉज कनिंग. है ना, चालाक कौन था, लोमड़ी थी. डिड मोटू गो विद द फॉक्स. नहीं, नो, मोटू डिड नॉट गो विद द फॉक्स. हु स्केयर्ड द फॉक्स. क्रोज स्केयर्ड द फॉक्स. मतलब फॉक्स को किसने डराया, तो क्रोज ने डराया, कौओं ने डराया. व्हाट हैपेंड टू द फॉक्स. व्हेन द क्रोज क्राइड इनटू हिज ईयर्स. द फॉक्स वाज स्केयर्ड एंड फेल डाउन. जब उन्होंने कौओं ने फॉक्स के कान में चिल्लाया तो क्या हुआ. तो जब कौए फॉक्स के कान में चिल्लाया तो वो डर गया और वो गिर गया. ओके, दिस यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट एंड लर्न. ओके.